सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा रजवंशी एंड आपका मेरा ब्लॉग चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी ये सब मेकअप वगैरह है क्योंकि दिन में वीडियो शूट किए हैं फोटो शूट का, सो इसलिए, और नेल पेंट भी देख सकते हैं आप लोग कुछ न्यू। तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है, और अभी शाम हो चुका है और चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, शिवानी क्या कर रही है, सब देखते हैं। मम्मी यहाँ बना रही है लिट्टी, सो आप लोग देख सकते हैं मम्मी यहाँ लिट्टी बना रही है, चोखा भी बना रही हैं। बन गया तो लिट्टी चोखा बन रहा है हमारे, हम बिहारियों का ये पहचान है एक, है ना मम्मी, लिट्टी चोखा। हाँ, फेमस है बहुत लिट्टी चोखा बिहार का। तो देखिए कैसे बनता है, इस तरीके से करके और फिर इसमें ऐसे सत्तू, आप जितना आपने क्वांटिटी के हिसाब से डालना चाहो, किसी को कम सत्तू ही पसंद होता है, नहीं मम्मी तो कम डालता है, मेरे घर लोग सत्तू खाते हैं ज़्यादा तो इतना डालता है। और फिर इस तरीके से ऐसे बन गया लिट्टी, देख सकते हैं। हाँ, बन जाने के बाद, है ना मम्मी, हाँ उसके बाद हम आप लोगों को खिलाएंगे। और देखिए सत्तू इस तरीके से, इसमें क्या क्या सत्तू में डाली है मम्मी देख सकते हैं, प्याज दिख रहा है, धनिया, मिर्च, ये सब दिख रहा है, और कुछ लहसुन, नमक आदि, तेल, नमक, अजवाइन, ये सब, नींबू, हाँ सब मिक्स है इसमें, सब इसमें डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं। चोखिया गाइस, यहाँ चोखा बना है आलू का, हम लोग के घर वैसे बैगन का भी चोखा बनता है। सो गाइस, लिट्टी बनाने के लिए एक आपको आइडिया देते हैं, बहुत लोग तो जान गए होंगे, जो अप्पे बनाने वाला होता है, सांचा ढांचा क्या बोलते हैं पता नहीं, सांचा ही बोलते हैं, तो उसमें भी आराम से लिट्टी बन सकता है, और एकदम लगता है जैसे हम लोग लिट्टी वो बनाते हैं कोयला पे, आग पे, उस तरीके का एकदम ये लिट्टी बन के तैयार होता है, और एकदम खाने में भी टेस्टी लगता है, मतलब एकदम आपको समझ ही में नहीं आएगा ना कि ये लिट्टी जो है इस सांचे में बना हुआ है, एकदम लगेगा अगर किसी को दोगे आप तो एकदम आग पर वाला लिट्टी है, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से अप्पे वाला में जो होता है बहुत सारा दिया होता है बनाने वाला, जिस तरह इडली का सांचा होता है उस टाइप अप्पे का ये आता है, तो उसमें देख सकते हैं एक बारी में कितना पता नहीं बनता है, 12 लिट्टी बन सकता है एक बार में, और उसके बाद आपको ऐसे पलटते रहना है, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पकते जा रहा है, तो बहुत आसानी से आप ये लिट्टी तैयार कर सकते हो, और निकलने के बाद देखिएगा एकदम, देखिए लग रहा है ना कि आग पर का लिट्टी है, तो एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा बनाने का। जब भी बनता है आलू का चोखा, बैंगन का चोखा, टमाटर, ये सब जो मिक्स बनता है वो भी बहुत बारी बना है, तो अच्छा लगता है। इस बार आज नहीं बना है बट हमेशा बनता है जब भी लिट्टी चोखा बनता है, तो लिट्टी चोखा किस किस को पसंद है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब शिवानी क्या कर रही है। सो देखिए यहाँ शिवानी पढ़ाई कर रही है, और इसका एग्जाम भी है, कल है या परसों, तो सब बेस्ट ऑफ लक बोलिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग शायद परसों ही जाएगा, तो सब लोग बेस्ट ऑफ लक कमेंट में बोल दीजिएगा। तो चलो पढ़ाई करो, और देखिए दादी यहाँ सोई हुई है, दिखा देते हैं आप लोग को ऐसे मच्छरदानी के अंदर से, तो देखिए हेलो हेलो मेरी क्यूट दादी, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ठंडा है इसलिए रजाई में, है ना दादी, हाँ। तो चलिए हाँ बांध ले। सो चलिए गाइस, दिखाते रहेंगे और लिट्टी भी दिखाएंगे, बनते टाइम भी दिखाएंगे सब, तो ब्लॉग पे बने रहिए आप इसी तरीके से। और थोड़ा सा तेल वेल है बाल में तो इग्नोर करिएगा, इसीलिए चिपटा लग रहा है, देखिए इसको। चलो पढ़ो, के पढ़ रही है। तो चलिए थोड़ा मोबाइल चार्ज में भी लगा देते हैं क्योंकि बैटरी नहीं है। सो यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा देर टीवी देख रहे थे शाम में, और यहाँ शिवानी पता नहीं कि हम मोबाइल ही चला रही थी, शायद मोबाइल पे भी पढ़ाई करती है कुछ कुछ, तो
तो वहीं कर रही थी। और फिर यहाँ दादी देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए दादी एक दो बार इधर टहलना स्टार्ट की है, क्योंकि तबीयत ख़राब के बाद वो टहल नहीं रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पकड़ पकड़ के थोड़ा सा टहल लेती है। तो वहीं यहाँ पे सोचे कि कैप्चर करके आप लोग को दिखाएं कि पहले से दादी ठीक है, और प्रे करिएगा कि पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे यहीं कैप्चर कर लिए कि थोड़ा मोमेंट भी हो जाएगा अच्छा प्यारा सा दादी का चलते हुए। फिर यहाँ पे भैया लेके आया था मूंग दाल दादी के लिए, तो यहाँ वहीं हम दादी को दे रहे थे। उसके बाद दादी के लिए मूंग दाल, मेरे लिए चिप्स लेके आया था। तो फिर यहाँ टीवी देखते देखते यहाँ पे हम चिप्स खा रहे थे, और मेरे को चिप्स बहुत अच्छा लगता है। चिप्स क्या कोई भी इस तरीके का चीज़ होता है, जैसे मेरे को कुरकुरे टकाटक अच्छा नहीं लगता, बट हाँ लेज़ अच्छा लगता है, और इसी में बहुत सारा चीज़ आता है चिप्स ही टाइप का। तो जैसे पंगा एक आता था, वो सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर ये आप लोग कार्टून देख सकते हैं, इस कार्टून में एक कार्टून मिठाई था, और ये किसने भेजा था, तो ये भैया एक शादी में गया था, तो भैया के फ्रेंड की बहन का शादी था, तो वहीं शादी में गया हुआ था। तो दूसरे दिन ये मिठाई भैया के फ्रेंड के यहाँ से आया था, और वहीं यहाँ पे कैप्चर किए कि देखिए, और डब्बे पे देख सकते हैं यहाँ रितेश नाम भी लिखा हुआ है, शायद वो बहुत लोगों के लिए लेके गए होंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे जो इसमें अमरूद था ना, क्या बोलूँ कितना टेस्टी ये अमरूद था, मतलब ये देखते ही सबका खाने का मन किया था। कोई कोई फल होता है ना देख के ही सुंदर लगता है, तो देख के आकर्षित करता है, तो ये वैसे ही था अमरूद, देख के ही मन कर रहा था कि खाएं, आप लोग को दिखाएंगे हम। और यहाँ पूरे अच्छे तरीके से पैक करके भेजा था भैया के फ्रेंड ने। तो देख सकते हैं ये मिठाइयाँ आई हुई थी, और देख सकते हैं बीच में एक अमरूद दिख रहा है, फल वल भी था पूरा, अनार वगैरह ये सब जो होता है सारे फल भी थे। और ये ब्लैक वाला प्लोथीन है, इसमें पूरा मिठाई भरा हुआ था। तो यहाँ भैया देखिए अमरूद ही उठाया था कि अमरूद बहुत बढ़िया हुआ, खाए के मन करता इस तरीके से। तो सही में कभी कभी फल ऐसा हो जाता है ना जो खाने का मन कर देता है। और यहाँ देख सकते हैं लड्डू था, बट लाने में टूट गया था। बहुत ही ये वाला लड्डू अच्छा लगता है जो महीन वाला होता है दाना वो। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट जा रहे थे, तो फिर यहाँ मॉल गए, तो मॉल में कुछ विंटर के लिए कुछ लेने थे सामान, तो वहीं यहाँ पे देख रहे थे हम लोग जो ये पैजामा है, क्योंकि ठंड बहुत लगती है और पैरों में, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे विंटर के, तो यहीं पे वो देख रहे थे। और शिवानी के लिए एक सरप्राइज़ भी हम लोग दिए, तो वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत खुश हो गई थी वो सरप्राइज़ से। और यहाँ पे बहुत टाइम तक हम लोग देखे ऐसा, मतलब इतना अच्छा अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था सारे ले लूँ, एक होता है ना कभी कभी। और यहाँ देख सकते हैं सॉल जो होता है वो सब का भी बहुत कलेक्शन आया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग देख के उसके बाद मतलब ले लिए थे, घर चल के दिखाएंगे कौन सा लिए कौन सा नहीं। और यहाँ पे मम्मी भी चूज़ करने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि हम दोनों बहनों के लिए लेना था, शिवानी के लिए भी लेना था, मेरे लिए भी लेना था, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ आके और फिर हम लोग गुपचुप खा रहे थे, क्योंकि बाहर जाओ मार्केट जाओ और गुपचुप ना खाओ तो अजीब लगता है। तो फिर यहाँ हम गुपचुप खाएं, और मम्मी नहीं खाई थी, बस हम ही खाए थे। उसके बाद रिक्शा से हम लोग घर गए, तो यहाँ पे घर के पास आए तो देखे कि वो कितना सजा हुआ था घर, किसी का बारात आने वाला था, और यहाँ पे छोटा सा मैरिज हॉल टाइप है मेरे घर के पास ही, तो इसलिए यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ मतलब पार्टी वार्टी होते रहता है, तो वहीं यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेशन था। फिर यहाँ पे घर आ गए थे, और देखिए शिवानी को जब सरप्राइज दिए थे तो कैसा उसका आँख बंद ही रखना, मेरे को आराम से बैठ जाने दो, उसके बाद हम बोलेंगे ना तब ये करना। दीजिए मम्मी आंख बंद, मेरा कसम है गजब है, मेरा प्लान है फ्लॉप कर देती भगवान जी। खोलो कैसा लग रहा है हमको दिखा तो मम्मी बोली ले लिया जाए, पैंट है कैसा लग रहा है करती। अच्छा लग रहा है देखो ले ली ना मम्मी मेरे पसंद का, कैसा लग रहा है बहुत अच्छा पसंद आया मेरे को
क्योंकि ये प्रिंट इसको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अब हम अपना दिखाएं। तुम पक्का कुछ ये लो, एक और तुम्हारा बोले ना, थोड़ा ग्लिटर जैसा है बट अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ वो पोनी टेल में नहीं हटेगा, पोनी टेल हटा में अच्छा लग रहा है ना। इसको कबाड़ देंगे। हाँ नहीं ऐसे भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ज्यादा नहीं दिया हुआ है। हम भी दिखा रहे हैं, तो रुकिए अब हम बैक कैमरे से दिखाएंगे। जब हम दिखा रहे हैं हम क्या क्या लाए हैं, इतना सारा शॉपिंग किए हैं, तो हम अपने लिए भी ये पैजामा लिए। तुम कितनी ली हो? पांडा है ये, अच्छा लग रहा है ना, पांडा है। हाँ देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा हाँ, तो फिर हम लोग को वो दिख गया। मम्मी को दिखा तो। और ये कैप लिए अपने लिए, और एक और अपने लिए कैप लिए। अपने लिए हम दो दो कैप लिए क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और शिवानी पे भरोसा नहीं है, सारा कैप फेंक देती है, फिर मेरे को ही मिल जाता है, इसीलिए दूसरा कलर लिए उसका। और इसमें जो है वो हम बाद में दिखाएंगे क्या है, अभी नहीं दिखा सकते हैं, बाद में दिखाएंगे। हाँ ये लीजिए, मम्मी फूल ली है, वही मांग रही है, देखिए सनफ्लावर। हाँ बहुत प्यारा है, और कलर दो रंग का था, एक ऑरेंज एक येलो कलर का आता है, तो मम्मी येलो वाला। हाँ यही पे लगा दीजिए। नहीं सनफ्लावर नहीं है, सॉरी गेंदा है, गेंदा गेंदा फूल लग रहा है सनफ्लावर जैसा ही। अच्छा कैसे लग, चमकी वो ना, चमकी निकाल दिया जाता है, चमकी निकाल दीजिए, और उसमें मट्टी होगा ना वो सही लगा दीजिएगा। ये वाला निकाल दिया जाता है ना, कौन वा? हाँ वो निकाल दो, नहीं तो फिर वो फैलेगा कैसे। हाँ, वो फाड़ दीजिएगा। हाँ, चलिए अभी ये देखिए हम इनर लिए। इनर मेरे लिए तो नहीं ली होगी लोग, नहीं जानती हूँ, हम अपने लिए भी देख रहे थे, कलर ही नहीं था, ब्लैक तो हम लोग पास है। हाँ। तो ये एक ले लिए, फिर खरीदना है चला जाएगा तो दूसरा कलर लेंगे। और ये कैप इसलिए ले लिए है कि वो फोटो शूट लाएंगे ना। ओके अच्छा लगेगा। चल खाने के लेके आ ले बता दे। और ये बिंदी है, बिंदी सिंदी, ये मेरा है टिकली। हाँ ये मेरे को अच्छा लगा तो ले लिए। और ये मम्मी का है, और ये भी मम्मी बोली तुम भी चिपका रहा, तो मेरे को हल्का बड़ा लगा है ना मेरे मुंह के लिए। नहीं ठीक है ठीक है, कौन सा ठीक लगेगा? दोनों बारी बारी से दोनों चिपकाना। ये देखिए कितना, एक तो टेढ़ा बिंदी चिपकाना तुम्हारा आदत जाएगा नहीं, टेढ़ा ही। ये देखिए दुर्गा माता, इससे हमको दीदी एक याद आता है, याद है कैसेट में लाया था वो सब मांगती है जलेबी। हाँ, हाँ। तो लालच वाला। हाँ। क्या है? और ये तेल है नॉर्मल, और ये जो हम यूज करते हैं वो, इतना सारा हुआ। और इसमें क्या है याद भी नहीं मेरे को। हाँ इसमें है मेरा और शिवानी का मास्क है दोनों जन का, ये वाला ली मिल ही नहीं रहा, और वो कॉटन वाला वो मिल रहा है। अरे ये वाला हमको नहीं पसंद, ये वाला ये कान के पास जो आता है, तो क्या करे मिल ही नहीं, पतला वाला रबड़ नहीं, एक भी नहीं था, बोल रहा मास्क कहाँ बेचा रहा है, तो यही ले लिया। और ये है सॉक्स है भैया का और पापा का, और कॉल किया तो नहीं उठाई ना, भैया बोला था दस्ताना लाने, दस्ताना हम लोग भैया से बात हो गया था। हाँ। तो दस्ताना जो है ना वो भैया खरीद के लाया था, उंगली कटा जो रहता। हाँ। वो तो नहीं चलेगा, तो इसीलिए नहीं लिए। तो चलिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर गमला इतना सारा था, सब में थोड़ी है। हाँ उसी में फिर यहाँ पे हम दादी को फाड़ के दे रहे थे मूंग दाल, तो जो मूंग दाल आया था वो खाई नहीं थी उस टाइम, हम लोग मार्केट से लेके आए थे, ये दूसरे दिन का है मूंग दाल, वो वाला भैया लाया था वो नहीं है, तो फिर लेके आए थे और वहीं फाड़ के फिर दे रहे थे दादी को। उसके बाद भैया लाया कुछ खाने के लिए हम लोग का, ये है हम लोग नीचे रखे हैं, नीचे साफ सुथरा है। और ये है वेज रोल, किस किस को पसंद है बताइएगा। अभी हम जा रहे हैं ड्रेस चेंज करके, उसके बाद आके खाएंगे।